आज हम कुछ बात करेंगे वर्चुअल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका इस्तेमाल म्यूज़ियम और एग्जीबिशन में लंदन में हो रहा है, जो कि बेसिकली बुनियादी तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी आर्ट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी आर्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए लोग म्यूज़ियम में रखे गए नवादरात और सकाफ़ती अशिया को मोबाइल के ज़रिए देखने की सलाहियत रखते हैं। चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। ये एक नया आर्ट है जो कि लंदन में आजकल दिखाया जा रहा है। इस आर्ट को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मोबाइल के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। ये एक लड़की इस आर्ट को देखने के लिए अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करती है जिसका नाम अनरियल सिटी है। इस आर्ट को आप अनरियल सिटी के ज़रिए देख सकते हैं, जबकि ये आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगा। आजकल कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोग म्यूज़ियम नहीं जा सकते और म्यूज़ियम बंद हैं, इसलिए लोग इस आर्ट को देखने के लिए अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जदीद मुतारफ़ कराई जा रही है पूरी दुनिया में, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी आर्ट या ऑगमेंटेड रियलिटी आर्ट कहलाता है। इस आर्ट के ज़रिए आप कुछ भी, जो भी नवादरात इसमें डाले गए हैं एप्लीकेशन में, आप चेक कर सकते हैं और इससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको वर्चुअलाइजेशन आपके मोबाइल के ज़रिए दिखाती है। इसका इस्तेमाल आजकल लंदन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये आपको, ये देखें, एक परिंदे की भी शक्ल दिखा सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये आर्ट दिखाने का एक नया तरीकाकार है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि इस आर्ट को दिखाया जाए परमानेंटली मुकम्मल तौर पर और म्यूज़ियम्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं इसके भी हक़ में हूँ कि म्यूज़ियम भी खोल दिए जाएं और लोग म्यूज़ियम में जा के सब कुछ देख सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो ऑगमेंटेड रियलिटी।